नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से कुछ खास जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं हम जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप विमानों के कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस पर खड़े इन विमानों की देखरेख का जिम्मा अमेरिकी वायुसेना के 309वें एयरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रिजर्वेशन ग्रुप के ऊपर है। यह ग्रुप बोनयार्ड में खड़े विमानों की मरम्मत कर कुछ को फिर से उड़ान भरने के काबिल बनाता है। बाकी विमानों के स्पेयर पार्ट्स को निकालकर उन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, अमेरिका के एरिजोना के रेगिस्तान में विमानों की सबसे बड़ी पार्किंग बनी हुई है। 2600 एकड़ में फैले इस इलाके में 4400 से अधिक विमान, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यानों को रखा गया है। बोनयार्ड के नाम से मशहूर इस जगह को विमानों के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बोनयार्ड में कई तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर बॉम्बर लड़ाकू विमान UAV को रखा गया है। इस जगह पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के भी कभी कई विमानों को रखा गया है। डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस पर खड़े इन विमानों की देखरेख का जिम्मा अमेरिकी वायुसेना के 309वें एयरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रिजर्वेशन ग्रुप के ऊपर है। यह ग्रुप बोनयार्ड में खड़े विमानों की मरम्मत का कुछ को फिर से उड़ान भरने के काबिल बनाता है। बाकी विमानों को स्पेयर पार्ट्स को निकाल कर उन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। इन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल दूसरे विमानों में किया जाता है। इस एयरबेस के कमांडर कर्नल जेनिफर बर्नार्ड ने कहा कि यहाँ 800 मैकेनिक दिन रात काम करते रहते हैं। वे पुराने विमानों से फिर से इस्तेमाल किए योग्य पार्ट्स को निकाल कर उन्हें काम करने के लिए लायक बनाते हैं। कर्नल बर्नार्ड ने US एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑफिसर के रूप में 25 वर्ष की सेवा की है। वर्तमान में वह इस एयरबेस के कमांडर और ऑपरेशन इंचार्ज है। कर्नल जेनिफर बर्नार्ड ने बताया कि इस एयरबेस पर खड़े विमानों की कुल कीमत लगभग $34 बिलियन से $35 बिलियन के बीच है। उन्होंने बताया कि इस एयरबेस की शुरुआत 1946 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना को पुराने विमानों को रखने के लिए जगह की जरूरत थी। उन्होंने एरिजोना के टक्शन में डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस को चुना। लगभग 2000 फुटबॉल मैदान में बने इस एयरबेस में हजारों विमानों को रखने की जगह है। बताया जाता है कि इस जगह पर विमानों को खड़ा करने के लिए एकदम सही मौसम है। यहाँ गर्मी तो है, हल्की बारिश भी होती है, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी नहीं है। इस कारणों से विमान में जंग लगने का खतरा नहीं होता। दूसरी बात कि इस एयरबेस पर जगह की कोई कमी नहीं है। इससे नए नए विमानों को आने पर उन्हें पार्किंग के लिए पूरी जगह मिल जाती है। यह इलाका कंक्रीट जितना सख्त है, ऐसे में बारिश होने पर भी उन्हें जमीन में धंसने का कोई खतरा नहीं होता। कर्नल बर्नार्ड ने कहा कि इस एयरबेस पर लगभग 80 तरह के विमान और हेलीकॉप्टर है। इनमें ज़्यादातर सैन्य विमान है जो वायुसेना, नौसेना, सेना और मरीन से रिटायर होने के बाद आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ LC-130 विमान भी है जिनको अंटार्कटिका में उतारने योग्य बनाने के लिए पहियों के नीचे स्की लगाए गए हैं। यहाँ पर नासा के भी विमानों को रखा गया है। दूसरा, दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे बड़े गलियारे यानी कॉरिडोर के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, रामेश्वरम में सबसे लोकप्रिय मंदिर है जो पंबन ब्रिज के माध्यम से मुख्य भूमि में जुड़ा एक छोटा सा द्वीप है। श्री रामानंद स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो इसके एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बनाता है। यहाँ की हर मूर्ति और स्थान की एक कहानी है क्योंकि यह पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। रामानंद स्वामी मंदिर श्री राम द्वारा भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जो बात इस मंदिर को विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है वह है इसके विशाल लंबे गलियारे। मंदिर में 3 विशाल गलियारे हैं। पहला गलियारा सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है, लेकिन इससे विभिन्न समय अवधि में पुनर्निर्मित किया गया है और इसमें मुख्य देवता हैं। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग और साथ ही गणपति की मूर्ति है। तीसरे कॉरिडोर की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और यह पूर्वी और पश्चिम दिशाओं में लगभग 120 मीटर तक फैला हुआ है। दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण में गलियारे की लंबाई लगभग 195 मीटर है। यह मंदिर के गलियारों को दुनिया में सबसे लंबा बनाता है।
बाहरी गलियारा स्तंभों की संख्या के लिए भी उल्लेखनीय है, जिनकी संख्या 1200 से अधिक है। चट्टानों की नाजुक नक्काशी से निर्मित मंदिर के अविश्वसनीय रूप से आकर्षक स्तंभ सदियों से पहले ही की वास्तुकला की प्रगति को दर्शाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभ स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि इसे तमिलनाडु के किसी अन्य हिस्से से लाया गया था। रामनाथ स्वामी मंदिर की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर को भारत के सबसे पवित्र हिंदू मंदिर में से एक माना जाता है। यह पवित्र स्थल मुख्य भूमि भारत और श्रीलंका के बीच दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है कई कारणों से उल्लेखनीय है। इनमें से एक में कहा गया है कि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया था जहाँ रामायण के नायक राम द्वारा रेत का एक लिंगम बनाया गया था। कहानी यह है कि जैसे ही राम लंका के द्वीप किले पर रावण पर हमला करने के लिए जा रहे थे, वे समुद्र के किनारे शराब पीने के लिए रुक गए। जैसे ही वह ऐसा कर रहा था, स्वर्ग से एक आवाज आई जिसमें राम ने कहा कि वह पहले संबंधित देवता की पूजा किए बिना पानी पी रहा था। यह मानते हुए कि आवाज शिव की है, राम ने रेत का एक लिंग बनाया और उसकी पूजा की। नायक ने शिव का आशीर्वाद भी मांगा ताकि वह रावण को जीत सके, जो उसे प्रदान करने के किया गया था। अंत में राम ने शिव से उस स्थान पर अनंत काल तक निवास करने का अनुरोध किया ताकि मानव जाति को इसका लाभ मिल सके। शिव भी इसके लिए सहमत हो गए। उन्होंने खुद को लिंगम में बदल लिया, जो अब भी मंदिर के रूप में स्थित है। तीसरा, दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे भारी भरकम इंसान के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, जॉन ब्राउनर मिनोज, जिनका जन्म 28 सितंबर 1941 को हुआ था। यह एक अमेरिकी व्यक्ति थे जो अपने चरम वजन पर अब तक का सबसे भारी मानव था, जिनका वजन 635 किलोग्राम था। 12 साल की उम्र में मिनोज का वजन 133 किलोग्राम था, जिसकी अनुमानित ऊंचाई 5 फीट 7 इंच थी, और 22 साल की उम्र तक उनका वजन 230 किलोग्राम और ऊंचाई में 6 फीट 1 इंच था। मार्च 1978 में 36 वर्ष की आयु में हृदय श्वसन विफलता के कारण अस्पताल में भर्ती होने तक मिनोज का वजन लगातार बढ़ता रहा। उसी वर्ष उन्होंने एक विवाहित जोड़े के बीच वजन में सबसे बड़े अंतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने अपनी 50 किलोग्राम पत्नी जेनेट के साथ शादी की और बाद में 2 बच्चों को जन्म दिया। मिनोज को बड़े पैमाने पर सामान्यकृत एडिमा का निदान किया गया था। यह एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अतिरिक्त बाह्य तरल पदार्थ जमा करता है। उनके अस्पताल में भर्ती होने पर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्वार्ट्स द्वारा उन्होंने अनुमान लगाया गया था कि उनका वजन 635 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए और उनके समग्र शरीर का अधिकांश भाग तरल पदार्थ को बरकरार रखा गया था। मिनोज के लिए परिवहन अत्यंत कठिन था। उसे सिएटल में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन मेडिकल सेंटर ले जाने के लिए एक दर्जन से अधिक फायरमैन और बचाव कर्मियों और एक विशेष रूप से संशोधित स्ट्रेचर को ले लिया। वहां उन्हें एक साथ धकेले गए 2 बिस्तर पर रखा गया था और लिनन परिवर्तन के लिए उन्हें बस रोल करने के लिए 13 लोगों को लगाया था। मिनोज को 28 महीने बाद 1200 किलो कैलोरी के सख्त आहार पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनका वजन 216 किलोग्राम था, जो लगभग 419 किलोग्राम खो चुका था, जो अब तक का सबसे बड़ा मानव वजन घटाने का दस्तावेज है। उनका वजन बढ़कर 432 किलोग्राम हो जाने के बाद अक्टूबर 1981 में ठीक एक साल बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। 23 महीने बाद 10 सितंबर 1983 को 41 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनका वजन 362 किलोग्राम था और उनकी बॉडी मास इंडेक्स 105.3 थी। चौथा, दोस्तों अमेज़न को कौन नहीं जानता, पर क्या यह आप जानते हैं कि अमेज़न का सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद में है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न का सबसे बड़ा कारोबारी कैंपस अमेरिका में नहीं बल्कि भारत के हैदराबाद में है। कैंपस की इमारत में जितने स्टील का इस्तेमाल हुआ है, वह विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर में इस्तेमाल हुए स्टील के मुकाबले 2.5 गुना से अधिक है। यह कैंपस 9.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेज़न ने 30 मार्च 2016 को परिसर निर्माण की आधारशिला रखी थी।
भवन के निर्माण के लिए हर दिन औसतन 2000 कर्मचारी काम करते थे। अमेज़न को हैदराबाद में इस कैंपस का उद्घाटन करते हुए इस कैंपस में एक साथ 15000 कर्मचारी काम कर सकते हैं। अमेज़न के ग्लोबल रियल स्टेट एंड फैसिलिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट जॉन स्कॉटलैंड ने कहा कि इस कैंपस में बनी इमारत क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया भर में अमेज़न की सबसे बड़ी इमारत है। यह करीब 4500 कर्मचारियों को इस कैंपस में स्थानांतरित कर दिया गया था। अमेज़न इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर अमित अग्रवाल ने कहा कि भारत में अमेज़न के 62000 से अधिक कर्मचारी पूर्णकालिक तौर पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद का कैंपस सिएटल के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी केंद्र भी है। सिएटल में कंपनी का मुख्यालय है। अमित अग्रवाल ने कहा कि कंपनी को भारतीय कारोबार में कोई मंदी नहीं दिखाई दे रही है। पांचवा, दोस्तों क्या आप कभी किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं या बेल मारते हैं? तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आसपास ऊपर नीचे ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट आपके लिए है। घर का दरवाज़ा खटखटाने पर ईंट फेंक कर मारता था कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यक्ति ने अपने कुत्ते को उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने वालों पर ईंट फेंकने की ट्रेनिंग के लिए रखी है। यही वजह है कि जब भी कोई व्यक्ति घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कोई आता था, तो कुत्ता घर की छत से उस पर ईंट गिराकर मारता था। अगर दुनिया के सबसे वफादार जानवर का नाम पूछा जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी का जवाब एक ही होगा, कुत्ता। समझदार होने के साथ वफादार भी होता है। यही वजह है कि लोग अपने घरों में कुत्तों को बड़े प्यार से पालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक एशियाई मूल के व्यक्ति को अपने कुत्ते से लोगों पर ईंट फेंकवाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यक्ति ने अपने कुत्तों को उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने वाले ईंट पर ईंट फेंकने की ट्रेनिंग दे रखी है। यही वजह थी कि जब भी कोई व्यक्ति उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आता था, तो कुत्ता घर की छत पर से जाकर उन पर ईंट गिराकर मारता था। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह एकांत में रहना पसंद करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई आकर उसे परेशान करे। यही वजह भी है कि उसके अपने कुत्ते को ये खास ट्रेनिंग दे रखी थी। अब इस शख्स को ये हरकत बड़ी महंगी पड़ गई। पुलिस ने इसे जानवर के साथ क्रूरता वाला अपराध माना है, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आए दिनों ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, जिनमें कई लोग बेजुमान के साथ क्रूर बर्ताव करते रहते हैं। एक और जहां कुछ लोग जानवर के साथ प्रेम भरा रवैया रखते हैं, वहीं कई लोग जानवर के साथ अमानवीय व्यवहार भी करते हैं, जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।